हानिया से पहला सवाल है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? कैलिफोर्निया। ऑप्शन चाहिए, सही जवाब है। दूसरा सवाल है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? ओके, भारत से, रोम से, अरबो से, चीन से, चीन से। पक्का? गलत जवाब, अरबो से सीखा था। नेक्स्ट सवाल है, कुतुमाशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? कुतुमाशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? ऑप्शन में है, कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगलेन, डियाज, बार्थोलोजी। कंफर्म? गलत जवाब। गलत जवाब है, डियाज बार्थोलोजी होगा। नेक्स्ट सवाल है, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? 1992 में। कंफर्म? अरे कैफ। ऑप्शन चाहिए? प्रॉब्लम यार, कैफ हाथ में पकड़ रहा। गलत जवाब है, 1493 में। नेक्स्ट, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? कुस्तुनतुनिया। ऑप्शन दीजिए, 1420, 1453, 1510, 1498। 1453। हाँ सही है, सही जवाब है, बार देरी था। सेकंड राउंड, हाजिया से सवाल है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सबसे पहले लगाया? कंफर्म? ऑप्शन चाहिए? कर लिया। सही जवाब है, मैगलन होगा। नेक्स्ट सवाल है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन में है, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, कोई नहीं इनमें से। दूसरे नंबर पे कैलिफोर्निया है। गलत जवाब है, वाशिंगटन होगा। नेक्स्ट सवाल है, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? कॉमन सेंस, जेफरसन, थॉमस पेन, वाशिंगटन, लफाइते। थॉमस पेन। सही जवाब है। नेक्स्ट, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन में है, 1765, 1764, 1766, 1767। कंफर्म? यस। गलती? गलत जवाब, 1765 होगा। नेक्स्ट है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? ऑप्शन में है, वाशिंगटन, वेलेजली, कार्नवालिस, कर्जन। कार्नवालिस। पक्का? सही जवाब। थर्ड राउंड है, हादिया से सवाल है, अमेरिका संविधान, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? सही जवाब है, 1789। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? कन्फर्म या ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन में है, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, स्पेन। गलत जवाब, अमेरिका ही सही। नेक्स्ट सवाल, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? ऑप्शन, पेरिस की संधि,
बिला फरका की संधि, नीउली की संधि, टेपड़े की संधि। बिला फकरा की संधि गलत जवाब है, टेरिस की संधि। नेक्स्ट है, अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उसमें अमेरिका का सेनापति कौन था? ऑप्शन में है ग्रेनविले, दूसरा है जेफरसन, तीसरा है लफाते और डी लास्ट का चौथा नंबर है वाशिंगटन। तो सही जवाब है वाशिंगटन। नेक्स्ट सवाल है, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? ब्रिटेन और अमेरिका के बीच, दूसरा है फ्रांस और कनाडा के बीच, तीसरा है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, चौथा है अमेरिका और कनाडा के बीच। अमेरिका और कनाडा के बीच। संसद गलत जवाब है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ। पहला फोर्थ राउंड होगा, आगे से सवाल है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? कंफर्म, ऑप्शन नहीं चाहिए। चलिए सही जवाब है। नेक्स्ट है, वियना कांग्रेस कब पारित हुआ था? वियना कांग्रेस कब पारित हुआ था? 14 मैक्स प्रो हो लो जल्दी रे। 1824, 1814, 1815, 1816। सही जवाब है। नेक्स्ट है, सेडान का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन में 1870, 1871, 1872, 1873। दूसरी जगह सही जवाब है। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? कार्बोनरी, ऑप्शन में 1808, 1809, 1810, 1811। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम। नेक्स्ट है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? कैसे कर भैया? ऑप्शन में 1871, 1872, 1873, 1874। सही जवाब है। देखिए काय के सिस्टम है भैया। रे कमरान कहाँ आ रहा रे? ऐसे ना ना यह देखना। ओ या ऐसे अरे बनो दिन अच्छा से। ये आखिरी राउंड है। सही है। हाजिया से सवाल है, किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? कन्फर्म, ऑप्शन ही चाहिए। सही जवाब है वाष्पन। नेक्स्ट है, किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? अच्छा वीडियो बोल। ऑप्शन तेरा एकदम लाजवाब आ रहा था। उर्ध्वपातन, द्रवी भवन, संघनन, उत्सर्जन। फिर से एक बार सुन लो, उर्ध्वपातन, द्रवी भवन, संघनन, उत्सर्जन। चला गई। गलत जवाब है, संघनन होगा। नेक्स्ट है, सोना को तांबा के साथ मिलाकर मिश्र धातु में बदल दिया जाता है ताकि वो बन जाए। क्या बन जाएगा वो? अगर हम सोना में तांबा को मिला दे
तो क्या हो जाएगा, एक मिश्र धातु बनेगा, मिश्र धातु बन जाने के कारण वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन में है मुलायम हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा, कठोर हो जाएगा या ज्यादा टिकाऊ हो जाएगा? चमकीला। कंफर्म? गलत जवाब है, कठोर हो जाएगा। कठोर। नेक्स्ट सवाल है, वह पदार्थ जो वायु में जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है वह क्या कहलाता है? एक बार फिर से सुन लो, वह पदार्थ जो वायु में यानी हवा में जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है वो क्या कहलाता है? ठीक है ना? ऑप्शन में है तत्व, मिश्रण, अधातु या यौगिक। क्या बात कर रहा है? इसी बात बोला जनकीय अधातु। गलत जवाब है, यौगिक कहलाता है। लेकिन निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन में है डाल्टन, फ्राउस्ट, लभवाजे, कनाड। कनाड। गलत जवाब है, फ्राउस्ट होगा। दो गलती हो गई। इस तरह से पांचों राउंड खत्म हुआ। अब रिजल्ट देख लेते हैं। रेशमा से सवाल है, क्योंकि दो विद्यार्थी ऐसा है जिसका एक ही जैसा अंक आया है, ठीक है? रेशमा से सवाल है, खूनी रविवार कब हुआ था? खूनी रविवार इस वर्ष हुआ था, खूनी रविवार 1904 में, 1905 में, 1906 में, 1907 में। 1907 में। 1905 में। सवाल है, बोलशेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में, 1918 में, 1919 में, 1920 में। पक्का? हमने पासा रोज है, अभी न दे। सही जवाब। इस तरह से इस पांच राउंड में जो रिजल्ट आया है, हादिया फर्स्ट, नावेद सेकंड, सवाना थर्ड, रेशमा फोर्थ, सादिया फिफ्थ। हादिया रुकना रुकना, कोई बात नहीं, फोटो ना चाहिए। नेक्स्ट है नावेद। थर्ड है सवाना। लास्ट है सादिया। लाल के निशान है। दोनों सेम है।